तो ये आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे गेज है, मैं नजदीक लाके आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रेशर टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद चलेंगे हम लोग सुपर हीट पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग बात करेंगे सुपर हीट के बारे में, सुपर हीट क्या होते हैं, सब कूलिंग क्या होते हैं और कैसे मेजरमेंट करते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, और सेचुएशन पॉइंट क्या होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था R22 गैस का कैसे चेक करेंगे और 134A गैस का कैसे चेक करेंगे, तो ये सारा रेफ्रिजरेंट के बारे में भी समझेंगे। हमारे पास जो अभी है वो चिलर सिस्टम है, लेकिन आपका HVAC सिस्टम भी हो सकता है और किसी भी ब्रांड का हो सकता है, चाहे वो योर चिलर हो, कैरियर चिलर हो, या आपका ट्रेन चिलर हो, या कोई भी HVAC सिस्टम हो, उन सबको आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आप लोगों को अगर नॉलेज मिलेगी तो ये हमारे भाई चाहे इंटरव्यू देने जाएंगे उनके लिए भी काम की होगी, और अगर जो भाई हमारे काम कर रहे हैं कंपनी में या कहीं भी उनके लिए भी काम की होगी, और जो भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं उन सब के लिए काम की होगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चाहे तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह मेरे वीडियो के लिंक को शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। तो दोस्तों मैं अभी शुरू करता हूँ, आप लोगों को बताना कि कैसे हम लोग, जो एक भाई बता रहे थे कि 134 का प्रेशर टेम्परेचर चार्ट बताने के लिए, तो मैं किसी सिस्टम पे 134 के जाऊंगा तो उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं 134 के बारे में भी बताऊंगा और R22 के बारे में भी बताऊंगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है। तो ये आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे गेज है, मैं नजदीक लाके आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रेशर टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद चलेंगे हम लोग सुपर हीट पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। अभी भी हम लोग जब ये गेज यूज करते हैं तो आप लोग जानते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये गेज मैनिफोल्ड है, इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सक्शन लाइन में। सक्शन लाइन उधर कंप्रेसर में है, वहाँ हम लोग यूज करते हैं, और ये जो लास्ट वाला रेड कलर का है ये हम लोग यूज करते हैं डिस्चार्ज लाइन में, और बीच वाला जो है वो गैस चार्जिंग लिए यूज करते हैं। तो कभी भी हम लोग जो R22 गैस चार्जिंग करते हैं किसी भी चिलर में, HVAC सिस्टम में, तो आप लोग जानते हैं, यहाँ नजदीक से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिये ये R22 लिखा हुआ है और ये सेल्सियस लिखा हुआ है, सही है। तो इसका टेम्परेचर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, कौन सा टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर। R12 है, R134A, ये तीनों रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हम लोग जान सकते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे जानते हैं हम लोग की R22 गैस। तो यहाँ पे R22 आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट R22 का एरो दिया हुआ है जो ग्रीन वाला है। तो हम लोग जब चार्ज करते हैं तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए ये PSI लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से जो मार्किंग है वो PSI है। तो हम लोग जो चार्ज करते हैं, जो नॉर्मली वो 65 PSI चार्ज करते हैं या 70 मैक्सिमम। तो 70 मैक्सिमम में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना शो करेगा, तो यहाँ से प्रेशर से हम लोग को टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर मालूम चल जाता है। तो यहाँ पे दो का एक पॉइंट, यहाँ पे जीरो दिखा रहा है ग्रीन में, यहाँ पे दो है और यहाँ पे चार है, और 70 पे 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर हम उसको फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो तकरीबन आप मान के चलिए 4 डिग्री सेल्सियस का आएगा, 39 डिग्री फारेनहाइट। तो ये मान के चलिए 42-45 डिग्री फारेनहाइट हमारा सेचुरेशन टेम्परेचर होता है। उसी तरीके से डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज में आप लोग जानते हैं, यहाँ पे कभी भी जो हमारा प्रेशर होता है R22 का, वो 250-350 तक होता है। तो यहाँ पे अगर हम 300 की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे आ रहा है तकरीबन, ये जो 300 पे आ रहा है ये 55 आ रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग फारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो 134 है, 134 का भी दिखा रहा है, तो हम लोग कितना चार्ज करते हैं, 134 35 PSI, जो मिनिमम है 35-40। तो यहाँ पे कितना आता है, 134 का कौन सा कलर है आप लोग देखिए, ये वाला जो है ये फिरोजा कलर, ये है 134 का। तो फिरोजे कलर पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी वही आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे जब फारेनहाइट में, तो वही आएगा ये 40-50 डिग्री फारेनहाइट। ये आप लोग समझ गए, और इसी तरह डिस्चार्ज का भी हम लोग निकाल लेंगे फारेनहाइट कितना टेम्परेचर है। अब हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर के जरिए हम लोग कैसे पता करेंगे सुपर हीट क्या है और सब कूलिंग क्या है। इसके लिए स्पेशली गेज भी आते हैं सुपर हीट निकालने के लिए, सब कूलिंग निकालने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को इजी वे बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप लोग नाप सकते हैं
चाहे तो आपके पास जो गेज होगा उससे भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में खास करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे वो सक्शन का उधर लाइन है, सक्शन प्रेशर का, ये जो कंप्रेसर का सक्शन है, उधर लास्ट में जो मोटा लाइन देख रहे हैं वो है, और दूसरा नीचे हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। तो अभी हम लोग चलते हैं सक्शन के पास ही, वही मालूम करते हैं। यहाँ देखिए, ये सक्शन का लाइन है यहाँ पे, ये मान लीजिए ये जो है यहाँ पे देखिए इंसुलेशन नहीं है, यहाँ पे ठंडा हो रहा है ज्यादा, ठीक है। ये सक्शन का टेम्परेचर यहाँ है और सैचुरेशन टेम्परेचर इस गेज में है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी सबसे पहले सुपर हीट की बात कर लेते हैं। तो सुपर हीट आप लोगों को मैं बता दूं, टेम्परेचर जब हम लोग देख लेंगे इसमें, कि मान के चलिए कि हमारा 40 डिग्री फारेनहाइट हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर इसी को बोलते हैं, यहाँ से निकलता है। ये एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो कूलिंग होती है, और जहाँ पे फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, मतलब लिक्विड से जो फर्स्ट बबल वेपर का आता है, वो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है, और उसी को हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट होता है वो। वहां से जब पानी, ये यहाँ पे पानी सर्कुलेट हो रहा है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है, चिल्ड वाटर लाइन, लेकिन कहीं कहीं पे एयर सर्कुलेट होता है, तो काम वही होते हैं जो हमारे स्प्लिट एसी या पैकेज एसी वगैरह में जो डीएक्स यूनिट है, जो भी है, तो वही काम करता है। तो वहां पे जो हीट पड़ता है, हीट ऑब्जर्व करता है लिक्विड के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, वेपर में चेंज होता है, उसको सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है, सैचुरेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो वहां का टेम्परेचर हम लोग गेज में देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग सक्शन का टेम्परेचर, यहाँ पे आप लोग बेलो वाला भी मीटर आता है, डिजिटल मीटर आता है, यहाँ पे आप लोग बेलो टच करके उसको हैंग कर देंगे, बांध देंगे, वहां से आप लोग इसका टेम्परेचर देख लेंगे। नहीं तो आता है हमारे पास गन आता है, कौन सा टेम्परेचर गन, वहां से हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे, सक्शन का टेम्परेचर कितना है। अभी हम लोग को क्या कर रहे हैं, सक्शन का टेम्परेचर मान के चलिए 55 फारेनहाइट है, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 40 फारेनहाइट को, तो कितना बच जाएगा, 15। तो 15 फारेनहाइट हमारा सुपर हीट हो जाएगा। सुपर हीट 10 to 15 फारेनहाइट स्टैंडर्ड होता है, ये भी आप लोगों को बताता चलूं। अभी हम लोग बात करते हैं सब कूलिंग की। तो सब कूलिंग में सेम जो मैंने आपको बताया, डिस्चार्ज का जो हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे, कंडेंसिंग टेम्परेचर, तो कंडेंसिंग टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है 120 to 150 फारेनहाइट होता है। तो अगर मान के चलिए एग्जांपल 130 फारेनहाइट आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया R22 गैस में अगर हम लोगों का 300 PSI होगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, 300 PSI में तकरीबन ये 78-76 ऐसा ये डिग्री सेल्सियस आएगा, उसको फारेनहाइट में बदलेंगे तो हमारा वही 130-40 आएगा। 140 मान लीजिए हमारा डिस्चार्ज का टेम्परेचर है, जो हमारा कंडेंसिंग टेम्परेचर है 140 डिग्री फारेनहाइट है। और दूसरा हम लोग कहाँ पकड़ेंगे, तो ये लिक्विड लाइन जो आप लोग देख रहे हैं एक्सपेंशन वाल्व से पहले, ये सारा लिक्विड लाइन है, तो लिक्विड लाइन का टेम्परेचर भी हम लोग उसी तरीके से बेलो से, डिजिटल थर्मामीटर से, या फिर टेम्परेचर गन से हम लोग चेक करेंगे। तो अगर मान के चले कि जो हमारा लिक्विड लाइन का टेम्परेचर मान के चले कि अगर 125 डिग्री फारेनहाइट है, और जो कंडेंसिंग टेम्परेचर है 140 फारेनहाइट है, तो कंडेंसिंग टेम्परेचर से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे लिक्विड लाइन टेम्परेचर को, तो लिक्विड लाइन टेम्परेचर को अगर हम माइनस करेंगे तो उसमें बचेगा 15 डिग्री फारेनहाइट। तो 15 डिग्री फारेनहाइट हमारा वो सब कूलिंग हो जाएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है सब कूलिंग टेम्परेचर, वो होता है 12 डिग्री फारेनहाइट to 18 डिग्री फारेनहाइट। अभी मैं आप लोगों को बताऊं ये क्यों जरूरी है सुपर हीट एंड सब कूलिंग। सब कूलिंग कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, वो आपको बताता हूँ कि जब कंप्रेसर से गैस निकलता है तो उसका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है, जिस पे ठंडी हवा जब पड़ती है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मैंने बताया, जैसे कि अगर मान के चलिए 300 प्रेशर है तो उसका 140 डिग्री फारेनहाइट उसका टेम्परेचर है, उस पे अगर हमने 15 डिग्री उसका टेम्परेचर को कम कर दिया तो वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। अगर हम उसका कंडेंसेशन नहीं करेंगे, अगर हम उसका जो टेम्परेचर कम नहीं करेंगे तो लिक्विफाई नहीं होगा, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा कि वेपर ही जाएगा, तो वेपर जब जाएगा तो कंप्रेसर पे इफेक्ट पड़ेगा और कंप्रेसर ठंडा नहीं होगा, कंप्रेसर खराब हो जाएगा। और अगर सुपर हीट की बात करें, सुपर हीट अगर ज्यादा है, सुपर हीट ज्यादा का मतलब यह है कि अगर उसमें हीट ऑब्जर्व ज्यादा हो रहा है तो कंप्रेसर कूलिंग बराबर नहीं करेगा, और उससे क्या होगा, कंप्रेसर पे कूलिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कंप्रेसर जल्दी खराब हो जाएगा। और अगर लो सुपर हीट है, लो सुपर हीट में क्या हो जाएगा कि कंप्रेसर में लिक्विड जाएगा मतलब कंप्रेसर ज्यादा ठंडा होगा, तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर के जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो टूट जाएंगे, किसी भी कंप्रेसर में हो, इसको कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, एयर कूल्ड चिलर हो या वाटर कूल्ड चिलर हो, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से
सुपर हीट और सब कूलिंग दोनों जरूरी है मेजरमेंट करना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सुपर हीट और सब कूलिंग क्यों जरूरी है और कैसे चेक करते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में जरूर सवाल पूछेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया 134A गैस के बारे में और बताया R22 जो हमारा गैस है उसके बारे में। तो अभी आप लोग आगे से ये ध्यान रखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भाई मेरे ये चाह रहे थे 134 का, उनको भी थोड़ा बहुत इससे जो हिंट है वो मिल गया होगा। लेकिन स्पेशली मैं जब सारे पैरामीटर्स बताऊंगा 134 के बारे में भी जब उस यूनिट में जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके प्रेस करें, अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा भी दिल खुश हो, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत सारे भाइयों ने रिक्वेस्ट मुझे भेजा है कमेंट में और मैंने सबको स्क्रीनशॉट लेकर रखा है आप लोगों के लिए, उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर और भी आप लोगों के दिल में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।